बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PHP डॉक्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। उम्मीद है आप लोगों को पिछली वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हम लोग RGB LED को स्टडी करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसके अंदर यानी ये डिजिटल पिन होंगी, लेकिन हम राइट उनको एनालॉग के थ्रू करेंगे। और एक ही LED हमारे पास ये अवेलेबल है, लेकिन इसमें आप मल्टीपल कलर्स वगैरह को जनरेट कर सकते हैं। इसमें आप लोग देख भी रहे होंगे कि इसमें पिन्स भी तकरीबन चार हैं। ठीक हो गया। तो सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि आप लोग स्टे ट्यून रहें जो भी हमारे चैनल पे नई वीडियोस आएंगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग कि RGB LED का बेनिफिट क्या है। वैसे तो हमारे पास हर किस्म के कलर में अलग अलग LEDs अवेलेबल होती हैं, लेकिन इशू ये होता है कि हर LED को हमें एक अलग से पॉइंट देना पड़ता है डिजिटल पिन का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर आपको चार या पांच कलर की LEDs चाहिए। तो होता क्या है कि उसके अंदर मतलब आपको पांच पिन चाहिए होंगी। फिर दूसरा ये भी होता है कि कुछ कलर्स बहुत ही यानी कि कम यूज़ होने वाले होते हैं, तो उसकी आपको क्या कहते हैं LED नहीं भी अवेलेबल होती। तो ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं ना, ये हमारे RGB LED के साथ सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो हर पिन के ऊपर 255 कलर्स होते हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें आपस के अंदर, तो ये हमारे पास 255 यानी कि ये हमारे पास आ गया रेड का कोड, 255 हमारे पास ग्रीन का एंड 255 ब्लू कलर का। तो ये हमारे पास कितने कलर्स आ गए, ये हमारे पास अच्छी भली अमाउंट बन जाती है कि हम जो कि इससे जनरेट कर सकते हैं। वैसे भी आपने एक सिंपल रूल पढ़ा ही होगा कि जितने भी कलर्स हैं, इन तीनों कलर्स को मिला के बनते हैं सवाए वाइट और ब्लैक के, क्योंकि वो अलग अलग अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी सारे कलर्स इन्हीं तीनों कलर्स को कंबाइन करके मतलब बनाए जाते हैं। तो पहले हमारे पास जो मोनीटर्स वगैरह थे वो भी क्या कहते हैं RGB डिस्प्ले में आते थे। अब बाद में सारी बात हमारे पास काफ़ी अच्छे डिस्प्ले के लेटेस्ट टेक के अंदर आना शुरू हो गए हैं। तो उसको का स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास ये ट्यूटोरियल मैंने ओपन किया हुआ है, तो थोड़ा सा हम इसके ना पिन लेआउट को देख लेते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी पिन है वो है कॉमन एनोड की, और बाकी इसके साथ जो तीन पिन्स हैं, एक ये रेड के थोड की है जो कि बिल्कुल इसके साथ वाली पिन है, बड़ी पिन के साथ यानी कि एनोड के साथ वाली पिन। और बाकी जो दो एनोड के नीचे हैं वो क्या कहते हैं ब्लू और ग्रीन के थोड की हैं। इसमें ये इस तरह से डिफरेंट किया गया है इसके अंदर कि ये हमारी वायर जो कॉमन बड़ी टांग वाली है, ये है एनोड की। ये तीनों है, ये तीनों में से कोई एक बंद भी हो सकती है, दो भी बंद हो सकती हैं, तीनों भी बंद हो सकती हैं। यानी कि जस्ट लाइक ये ग्राउंड की तरह भी ये सिग्नल की तरह काम कर रही हैं। ठीक है, हर पिन के ऊपर हम 0 से लेकर 255 तक कोई भी वैल्यू भेज सकते हैं। तो वो क्या करेगा, कलर कम्बिनेशन बनाएगा। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले स्टडी किया था कि डिजिटल सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज़ भेज सकता है, या 1 या 0, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को मतलब भेजना है 0 से लेके 255 तक। तो हम लोग एनालॉग को यूटिलाइज करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी, लेकिन मैंने सोचा कि अब चले मैं एक सीरीज़ ही तैयार कर रहा हूँ, तो मैं एक कंप्लीट वीडियो यानी कि जो है ना अलग से तैयार करता हूँ। ये इसका कोड भी इसके अंदर पड़ा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वायर्स को कम्बाइन करते हैं। ये देखें आप लोगों ने, मैंने 4 वायर्स ली हुई हैं। ये वाइट हम लोग यूज़ करेंगे एनोड के लिए, बाकी हमारे पास ग्रीन और ये रेड है एंड ये ब्लू कलर की है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेड पिन को पिन नंबर 11 के अंदर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग वाइट पिन जो है उसको हम लोग क्या करते हैं ग्राउंड के अंदर दे देते हैं। ठीक है, सॉरी ग्राउंड के अंदर नहीं आएगी, मुझसे मिस्टेक हो रही है इसके अंदर। इसके चलो हम बाद में देख लेते हैं। फिर हमारे पास ये क्या कहते हैं ब्लू है, ब्लू को हम लोग 12 के अंदर दे देंगे। और फिर आ जाता है ग्रीन, ग्रीन को हम लोग 13 नंबर के अंदर हम लोग असाइन कर देते हैं इसको। तो ये हमारे पास बड़ी इजीली सेटअप हो जाएंगी दोनों पेंस, मतलब हमारे पास जो ये पिन है रेड की आ गई इसके ऊपर। ठीक हो गया जी। अच्छा, सिग्मेटिक्स इसके एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं गूगल के ऊपर, ऐसा इशू नहीं है। आप लोग खुद से भी इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर आपको कोई इशू आ रहा हो, कोई सिग्मेटिक डायग्राम ना अवेलेबल हो रही हो,
तो आप images.google.com पे चले जाएं, वहाँ पे जाके आप देखें Arduino RGB LED schematic, ठीक है जी, ये अवेलेबल होके आ गई हमारे पास। ये एज अ ग्राउंड ही ली जा रही है, ये देखें ये ब्लैक में बिल्कुल, ये जो इसकी पिन है ये वाकई ग्राउंड में ही है। मुझे थोड़ा सा शक पड़ा था, मैंने कहा मे भी शायद इसमें वोल्ट का, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नहीं वोल्ट तो ज़्यादा होंगे। अच्छा ये अब हम इसको इस तरह से अटैच कर रहे हैं कि अब लोग आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि पिनें हैं मैंने इसकी खोलनी पड़ती हैं, इतनी गुंजाइश नहीं होती है इनके अंदर। तो ये हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ये हमारे पास लग चुकी है, ठीक है जी। अब हम पहले इसके अंदर क्या कौन सी पिन देंगे, हम लोग इधर देंगे रेड की पिन, फिर उसके बाद आ जाएगी साथ ही इसके वाइट यानी कि ग्राउंड की पिन, फिर आ जाएगी ब्लू वाली 12 नंबर वाली, और फिर आ जाएगी इसके साथ 13 नंबर पे हमारी ग्रीन वाली पिन। तो दोबारा डायग्राम देख लेते हैं, जैसे एग्जैक्टली इसी तरीके से ये काम कर रही है, मतलब हर किसी ने कलर स्कीम अपने अपने हिसाब से चेंज की हुई होती है, लेकिन जस्ट मैंने कंफर्म करना था। ये पहले रेड को हमने असाइन कर दी, फिर उसके बाद हमने ये ग्राउंड की इसके अंदर दे दी, फिर ये ब्लू और ये ग्रीन, ठीक हो गया। बाकी मैं डायग्राम की थोड़ा वेरीफाई कर लूँगा क्योंकि आज मेरा ध्यान पड़ा इसके ऊपर कैथोड और एनोड के ऊपर, क्योंकि फिर ये कैथोड हो सकता है और ये तीनों सारे एनोड के ऊपर हो सकते हैं। चलो जी हमारा ये सर्किट डायग्राम हो चुका है कंप्लीट, अब हम इसको करते हैं कनेक्ट। कनेक्ट करके हम साथ ही आर्डिनो का जो आईडी है इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। अभी हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना हुआ है, हम लोग न्यू कर लेते हैं, इसमें इसको क्लोज करते हैं। वाइड सेटअप, अब पहले हमने एक काम करना है, पिन्स डिफाइन कर लेनी है यहाँ पर, इंट पिन क्या कहते हैं, या रेड कलर आप देते हैं, रेड को हमने क्या दिया था जी 11, इंट ब्लू को हमने दिया है 12, और हमने ग्रीन को दिया है 13, सेमी कॉलम लाजमी डालिएगा इसमें। अब हमने क्या करना है, पिन के मोड्स ओपन करने हैं, पिन मोड रेड आउटपुट, ठीक है जी, पिन मोड ब्लू कॉमन आउटपुट, पिन मोड आउटपुट, पिन मोड ग्रीन कॉमन आउट, ठीक हो गया जी, हमारी अब प्रिपेयर हो चुकी है। अब हम एक और काम करते हैं, हमने एक मेथड राइट करना है वाइट, इसके अंदर हम लोग जो हमने ऑलरेडी फंक्शन लिखा हुआ था, बल्कि हम उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, चेंज आरजीबी कलर, ठीक है, यही नेम ठीक है हमारे पास, चेंज आरजीबी कलर इसमें, ठीक है, ये आ गया। इसमें हम इंट आर कमा इंट ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है जी। अब ये क्या कहते हैं, हमने तीन वेरिएबल बना दिए जिसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे जब भी हम एलईडी को जो कलर देना चाहेंगे, कि जो भी 0 से 25 तक आप 255 तक दे सकते हैं इसमें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनालॉग राइट आर कॉमा सॉरी पिन, इसके अंदर आ जाएगी पिन हमारे कौन सी रेड है, और आगे से आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, फिर उसके बाद एनालॉग राइट ब्लू पिन के ऊपर बी वेरिएबल को हम राइट करेंगे जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी, एनालॉग राइट एंड ग्रीन पिन के ऊपर जी राइट करेंगे जो भी हमारे पास इधर हो, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लेवल मेंशन किया हुआ,
खैर अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ ना प्री डिफाइंड कलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। पहले तो हम एक और काम करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ प्रिंट करके देखते हैं, चेंज आर जी बी कलर कामा 233 जमा 50 जमा 100। ये अब आई डोंट नो, पता नहीं कौन सा कलर होगा, लेकिन हम एक टेस्टिंग करते हैं इसमें। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद हम लोग हो गया हमारा सिलेक्टेड ऑलरेडी, सेव कर लेते हैं इसको RGB के नाम से। अब हम इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं, हमारा ये वेरीफाई हो चुका, कोई एरर नहीं है इसके अंदर। अब हम इसको अपलोड करते हैं। आई डोंट नो राइट नाउ इसके ऊपर क्या कलर होगा, कॉमा जीरो कॉमा जीरो। हम यह करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, तो मुख्तलिफ कलर कोड्स अवेलेबल। अभी हमारे पिंस के कनेक्शन भी ठीक हैं, या फिर इसमें ये इशू है, हमारी जो RGB की LED है वो ख़राब हो गई है इसके अंदर। वेलकम बैक। एक्चुअली थोड़ा सा मैं समझा कि मे भी शायद LED का इशू, लेकिन LED का नहीं इशू, और यहाँ पर असल में इशू ये आ रहा था कि ये जो सिगमेटिक है वो बिल्कुल ठीक था, ये जो हमारे पास बड़ी टांग वाली इसके अंदर पिन थी वो वाकई एनोड की थी, हमें उसको 3.3 वोल्ट प्रोवाइड करना था। 5 वोल्ट पे भी मैंने उसको चेक किया तो ये काम ठीक आ रहा था, लेकिन 5 वोल्ट पे आप लोगों ने अवॉइड करना है, क्योंकि ये LED को जलाने का भी ख़तरा होता है इसके अंदर। दूसरा, मैंने अभी इसके साथ रेजिस्टेंस नहीं यूटिलाइज़ की थी 220 ओम की, तो वो आप लोगों ने यूटिलाइज़ साथ में कर लेनी है। अब ये देखें, ये सारे कलर कोड्स मैंने इस पर अप्लाई किए हैं तो ये प्रॉपरली काम मतलब कर रहे हैं, मतलब यार क्या कहते हैं, अभी मैंने ये ब्लू कलर का कोड दिया, फिर येलो कलर का, पर्पल का, और यहाँ पर आप LED पे भी देखें, देखें ब्लू, ये रेड कलर आ गया, ये ग्रीन है, पर्पल को थोड़ा सा ये वाइट डिस्प्ले करवा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये दिन के अंदर वीडियो बन रही है तो थोड़ा सा ये इस तरह से महसूस हो रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस चीज़ पे होना है, ट्रैफिक सिग्नल्स पे होना है, और फिर उसके बाद रूम लेवल, रूम का लाइट लेवल, वो LDR हम लोग लेंगे। तो इस तरह ही हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे इंशाल्लाह ना। ये हमने 7 वीडियोस पूरी करनी है, आज दूसरी वीडियो भी हमारी पूरी हो चुकी है। अगर आप में से जिस किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पोस्ट करें, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका आंसर टाइमली कर दूँ इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।